उज्जवल मॉडल स्कूल में टीचिंग के प्रोफेशन में शानदार करियर बनाने का सुनहरा मौका। ज्यादा जानकारी के लिए एड में दी गई चीजों को ध्यान से पढ़ें और संपर्क करें दिए गए नंबरों पर, और आज ही अपने सीवी को भेजें दिए गए ईमेल एड्रेस पर। आज ही संपर्क करें एक सुनहरे भविष्य के लिए, तो देर किस बात की। हरदोई के सुरसा पुलिस ने एक पिकअप डाले से 50 गत्तों में 15 क्विंटल आतिशबाजी बरामद करने व 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक ये वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं। वहीं ग्रामीणों में इस बात की चर्चा है कि एक पिकअप 2 दिन पहले पलट गया था, ये वही सामग्री है और उसी की है। 15 क्विंटल आतिशबाजी पकड़े जाने का मामले का खुलासा करते हुए ASP ज्ञानेंजर सिंह ने बताया कि सुरसा पुलिस लोकसभा चुनाव के तहत लखनऊ हरदोई मार्ग पर पचकोहरा पुलिस बूथ के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी बीच शाहजहांपुर की तरफ से एक पिकअप डाला दिखा। जब उसे रुकने का इशारा किया गया तो रोकने के बजाय वापस करके भागने का प्रयास करने लगा। इस पर पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया तो उसमें आतिशबाजी भरी हुई थी। पुलिस ने इस पिकअप से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ASP ने बताया है कि इनके नाम दीपू पुत्र खुशीराम, दूसरा सहजात पुत्र जुग्गन, ये दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। दोनों के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मंगलवार को एक पिकअप पलट गई थी, यह उसी की सामग्री है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम लोग ये चेकिंग करा रहे थे, जिससे अपराधियों पर और जो अवैध शराब है और अवैध शस्त्र है इनके संचालन पर रोक लगाने के लिए ये चेकिंग चल रही थी, और सुरसा थाना की उसमें सफलता मिली है। और अवैध रूप से ले जाए जा रहे 50 गत्ते विस्फोटक करीब बरामद हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, दीपू पुत्र खुशीराम है और एक सजाद है। 2 लोग इसमें पकड़े गए हैं और इसमें मुकदमा कायम करके कार्रवाई कराई जा रही है। तो कहाँ ये ले जाया जा रहा था, किस काम के लिए प्रयोग लाना था? ये शाहजहाँपुर से लखनऊ के लिए ये विस्फोटक पदार्थ ले जाए जा रहे थे, और इसका इस्तेमाल किसी भी रूप में अगर विस्फोटक है तो किसी भी रूप में इसका किया जा सकता था। क्या कीमत है सर? करीब 7 लाख रुपए माल का इसका कीमत 7 लाख रुपए है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।